हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रुमानास किचन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन खाना किसे नहीं पसंद होता। आज मैं आपके लिए ईद के मौके पर लेकर आई हूँ सुपर यम्मी एंड टेस्टी चिकन बनाने का नया, अलग और बहुत ही आसान तरीका, जो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। आइए तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, रेसिपी झटपट से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे और ये मैंने 1/2 टीस्पून जीरा, 2 इलायची, 4 से 5 काला मिरी, 2-3 लौंग और ये मैंने 2 बड़ा प्याज लिया था, उसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, बहुत ही बारीक चॉप किया है। आप चाहो तो इसमें पिसी हुई प्याज का भी इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो और इसे बहुत ही अच्छे से भूनना है। क्योंकि चॉप की हुई प्याज में पानी बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं होता और बहुत ही अच्छे भुनने में बहुत ही अच्छी रहती है। और यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ले ली है और 1 टेबलस्पून लहसुन ले लिया है। लहसुन को भी बारीक चॉप कर लिया है मैंने। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से भून लेना है, मतलब बहुत ही अच्छे से सेकना है आपको, गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं और इसे भी बहुत ही अच्छे से भूनना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालते ही बहुत ही फटाफट से ये भूनना चालू हो जाएगा। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने 2 टमाटर ले लिए थे बड़े और उसे मिक्सी जार में पीस लिया है और ये टोमेटो प्यूरी मैंने ऐड कर दी है। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से भून लेना है। लीड कवर कर इसे स्लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक पकाना है। और ये देखिए टमाटर, प्याज और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो सब पक चुके हैं। अब हम मसाला ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये सब मसाले मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं और इन सब मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, नमक अब चिकन डालने के बाद हम ऐड करेंगे और ये बहुत ही अच्छे से भून लेना है। देखिए और इसका लीड कवर कर हमें 5 मिनट के लिए भून लेना है स्लो फ्लेम पर। देखिए अब हमारा मसाला परफेक्टली कुक हो चुका है, आप देख सकते हो तेल छूटना चालू हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैंने 750 ग्राम चिकन ले ली है, उसे अच्छे से वॉश कर लिया है और ये चिकन को मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। मैंने सिर्फ लेग पीस लिए हैं और इन सबको अच्छे से भून लेना है। अभी हम चिकन में पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चिकन को मसालों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। लीड कवर कर 5 से 10 मिनट के लिए हम रखेंगे। देखिए बीच बीच में हम स्टर करते रहेंगे। ये चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है इसमें और इसे ढक कर हम फिर से पकने देंगे। चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से भून जानी चाहिए। देखिए अभी देखना मसाला और चिकन बिल्कुल भून चुकी है। अभी हमने चिकन सिर्फ भूनी है, चिकन गली नहीं है। चिकन को गलाने के लिए अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है और अब हम चिकन को अच्छे तरीके से पका लेंगे और लीड बंद कर 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है चिकन को और बीच बीच में हमें स्टर भी करते रहना है। हमें स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। देखिए अभी भी थोड़ा पानी बाकी है, फिर से हम लीड बंद कर 5 मिनट और रखेंगे। मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। अभी हमारी चिकन गल चुकी है और मैंने नमक भी ऐड कर दिया था, नमक की वीडियो शूट नहीं हो पाई। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेना है, जब चिकन ऐड की तभी ऐड कर लेना है नमक। अभी मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया था,
हाफ टी स्पून। और देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये चिकन परफेक्टली कुक हो चुकी है। देखिए देखिए और देखिए कितनी मस्त बनी है। इसका कलर आप देखिए सिर्फ। ये चिकन भुना मसाला बहुत ही यम्मी टेस्टी और डिलीशियस बनता है, और ये बहुत ही इजी वे में मैंने बनाया है। मैंने यहाँ पर थोड़ी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सी पानी डालकर लीड बंद कर सिर्फ 2 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि इसमें जो कसूरी मेथी उसका भी फ्लेवर इन्हेंस हो जाए अंदर। देखिए ये 2 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा चिकन परफेक्टली कुक होके रेडी है। देखिए कितना मस्त बना है, देखिए आप देख सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइस, इसका टेस्ट भी बहुत ही यम्मी है। और ये कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाता है। इसमें कोई बिरस्ते की ज़रूरत नहीं है और ना ही दही की ज़रूरत है। बस ये ऐसे ही आप चिकन भुना मसाला रेडी कीजिए और इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। है ना ज़बरदस्त रेसिपी, इसे कोई भी बना सकता है। अगर कोई बिगनर्स है तो वो भी आराम से ये बना सकता है। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है और ये बहुत ही टेस्टी और मस्त बनती है और कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है। ये तो आप जब बनाओगे तभी आप जान पाओगे ये कैसी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और दुआओं में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।